हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आपको आज मसाला वेज आटा नूडल्स बनाते हुए दिखाऊंगी। सिंपल सा बनाती हूँ, बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। यहाँ पर मैं विराज को नहीं दूंगी क्योंकि विराज की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए विराज को नहीं खिलाएंगे। विराज के पापा के लिए बना रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है इसे आटा नूडल्स। मैगी भी आटा नूडल्स गाजर ये दोनों चीज डालना। छोटी वाली सोयाबीन की वही डालेंगे। स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। चलो बेटा बना के लाते हैं, पापा खाएंगे। आज मैगी वेज आटा नूडल बनाना है। गैस की और हम क्या करते हैं कि पहले इसको भिगो लेते हैं। थोड़ा सा छोटी वाली सोयाबीन की बड़ी ली है हमने, सोया चंक सोयाबीन। ये हमने पानी में डाल दिया, ये भीग जाएगा, इसको भिगोना है, फूल जाएगा, इसको साइड में रख देंगे। छील लेते हैं। टमाटर को छील लेते हैं, छिलका आता है तो अच्छा नहीं लगता। हमने टमाटर छील लिए, अब इनको कट करना है। तो पहले वॉश कर लेते हैं। और मैं प्याज लाना है, फ्लेम अभी ला रहा हूँ। प्याज भी
हम इसको क्या करेंगे, ये सारी चीज़ हमने इकट्ठा कर ली है, राई भी कर लिया, प्याज भी कर लिया, टमाटर भी कर लिया, गाजर भी कर लिया, इसे कट करके कढ़ाई में डालेंगे। पहले हम राई और प्याज को डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा हार्ड है ये गाजर, चाकू से आसानी से नहीं कट रही है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है ज़्यादा। ये लो काटी, चाकू से मैंने काटा है गाजर टमाटर। तो ये मैंने पहले राई और प्याज डाल दिया था, जो कि धीरे धीरे सॉफ्ट हो गई है, फिर सॉफ्ट करना है और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें टमाटर और गाजर डाल देंगे, नमक हल्का सा डाल देंगे, हल्का सा नमक पकाएंगे।
से इसलिए मैं टापू वगैरह यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब मुझे सोयाबीन की दाल डालनी है। मैंने पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, भीग चुकी हैं। मैं इसका पैकेट खोलूंगी। मसाला भी आटा नूडल विराज के पापा के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि विराज और मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। विराज के पापा थोड़ा खाते हैं तो उनके लिए बना रही हूँ, विराज के पापा के लिए स्पेशल। मसाले के पैकेट, मैंने मसाले के पैकेट दिए 4 मैगी नूडल्स है हमारे लिए, ठीक है वो पैकेट है, वो मसाला पैकेट है, उसको मैं कट करूँगी। 2 है चाकू की मदद से कट कर, एक पैकेट निकाल लूँगी या 2 पैकेट में निकाल देंगे, 2 पैकेट समथिंग 2 पैकेट निकाल लेंगे। गंदा बेटा, 2 पीस निकाले हैं नूडल्स, गंदा चीज़ धीरे धीरे गल रहा है। अब मैं इसमें मसाला डालू, मसाले से पहला पैकेट मसाले को धीमा कर दूंगी, फ्लेम लो कर दूंगी। डब्बा खराब था क्या यार, तो मुश्किल हो गया। मैंने मसाला डाल दिया, थोड़ा मसाला ही भून गया। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है।
मसाले की महक आ गई। अरे बाबो, कमरे में पंखा चल रहा है। मैं मैगी डाल लेगी, मैगी उसमें पानी डालना है मुझे, इससे पूरी तरह डूब जाए और ये सोख ले। मैं एक प्लेट मदद से ढक दूंगी। प्लेट की मदद से धीरे धीरे पकेंगे, धीरे धीरे ये 5 मिनट पके। इसको मैं तेज कर दूंगी। मुझे डालना देखना थोड़ा खराब कर रहा हूँ। Mm-hmm.
मैगी खाओगे? मैगी खाओगे? मैगी गर्मा गर्म मैगी। आटे वाली मैगी और हम बनाने जा रहे हैं आटे मैगी विराज के लिए भी।
विराज कह रहा है कि मुझे भी खिलाओ, तो एक चम्मच से ज़्यादा नहीं मिलेगा मैगी। हाँ ठीक है, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैगी बड़ा नुकसान करती है और बच्चा मेरा भी बीमार। ये तैयार है मैगी, मसाला वेज आटा नूडल्स। चलो 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 ले चलते हैं, ले चलते हैं, ले चलते हैं, चलो 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 चलो। यहाँ हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं खाने के लिए। अब गेस्ट को देख लो कौन है, हमारे फैमिली गेस्ट। हमारे फैमिली मेंबर हैं। इधर विराज को देखो, विराज भी देख रहे हैं। क्या हुआ? विराज को क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? सोयाबीन की बड़ी। ना नहीं बटा तो गुटा कर लेते यार ये। अरे वाह, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है। ना उसको